नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं धनु राशि वाले जातकों के लिए सितंबर का महीना क्या लेकर आ रहा है विशेष। अक्सर आप सभी लोगों की एक शिकायत जरूर रहती है कि हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहे हैं, किंतु आज के इस कार्यक्रम में मैं आपको पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि सितंबर का महीना आपके लिए यादगार सिद्ध होने जा रहा है। उसका कारण क्या है, एक दो नहीं पूरे चार चार ग्रह मिलकर सितंबर के महीने में देने जा रहे हैं आपको परिपूर्णता से आशीर्वाद, और ये आपकी कुंडली के वो ब्रह्म कारक ग्रह हैं जो बाध्य हैं आपको शुभ फल देने के लिए। कौन से वो ग्रह हैं, किस प्रकार के लाभ देंगे, ये संपूर्ण जानकारी आपको बताऊंगा, किंतु उससे पहले चर्चा करते हैं पहले सुख की, और वो क्या है, तो वो है निरोगी काया। आपके लग्न के स्वामी देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में आकर विराजित हुए हैं, राहु से दूरियां बढ़ती जा रही है, गुरु महाराज की स्थिति यहां पर परिपूर्णता से बलवान हो रही है, तो सितंबर में पहले सुख का अर्थात निरोगी काया आपके स्वास्थ्य दृष्टिकोण की स्थिति में ये अवस्था बहुत ही अच्छे लाभ देती हुई पाई जाएगी, ये आपके लिए निसंकोच होकर मैं कह सकता हूं। दूसरी स्थिति होती है धन की माया, और धन भाव के स्वामी शनि महाराज पराक्रम भाव में बने हुए हैं, किंतु 15 अगस्त से ये वक्र गति में युवा अवस्था में आ चुके हैं। धन से संबंधित पिछले समय में जो स्ट्रगल आपको करना पड़ रहा था, धन से संबंधित बार बार आपके जो कार्य रुक रहे थे, इनमें अब आपको श्रेष्ठ परिणाम निकल कर आएंगे। धन से संबंधित स्थितियां आपके लिए बेहद खास बनी हुई है। कर्म क्षेत्र की यदि हम चर्चा करें तो आपके कर्म भाव के स्वामी बुद्ध महाराज कहां आकर विराजित हुए हैं, तो कर्म भाव में, माफ कीजिएगा, भाग्य भाव में। ये एक संकेत है कि आपको कर्म क्षेत्र में भाग्य पूरा सितंबर महीने में साथ देता हुआ पाया जाएगा, और जब कर्म क्षेत्र में मेहनत तो हर व्यक्ति कर रहा है, किंतु जब मेहनत में भाग्य का साथ जुड़ जाता है तो व्यक्ति बन जाता है व्यक्ति विशेष, और इसी प्रकार की अनुभूति सितंबर के महीने में आपको होती हुई दिखाई देगी। बात करें यदि भाग्य स्थिति का योग क्या संकेत दे रहा है, तो आपके भाग्येश कौन होते हैं, सूर्य महाराज। भाग्येश होकर भाग्य में विराजित होना, 17 सितंबर तक ये भाग्य में रहेंगे, इसके पश्चात कर्म में आ जाएंगे। बेहद सुंदर गतिविधि आपके लिए निर्मित होगी, जहां जो कार्य आपने सोचा भी ना हो उस कार्य में भी आपको सफलता का योग सितंबर के महीने में निश्चित रूप से दिखाई देगा, और इसमें भाग्य देगा आपको परिपूर्णता से साथ। बात करें यदि विद्या दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके विद्या भाव के स्वामी मंगल महाराज आकर विराजित हुए हैं कर्म क्षेत्र में, और ये कौन है, तो ये नव ग्रहों में सेनापति का पद प्राप्त लिए हुए हैं। आपको विद्या क्षेत्र में सेनापति की तरह एक ऊर्जा देंगे, और उस ऊर्जा के माध्यम से आप जीवन में श्रेष्ठ सफलता का योग प्राप्त करें, ऐसा आशीर्वाद मंगल महाराज आपको देने जा रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए सितंबर का महीना कंपटीशन तैयारियों के लिए बहुत अच्छा है। हायर एजुकेशन साधारण गतिविधि में जो विद्यार्थी अपनी विद्या को प्राप्त कर रहे हैं, बेहद सुंदर गतिविधि का योग देखने को मिलेगा। बात करें यदि यात्रा दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके यात्रा भाव के स्वामी भी मंगल महाराज कर्म भाव में आकर विराजित हुए हैं। ये दो संकेत आपको दे रहे हैं। यदि आप सितंबर के महीने में व्यापारिक यात्रा करते हो तो निश्चित रूप से धन को अर्जित कर लाओगे ही लाओगे। भौतिक सुखों को प्राप्त करने वाली यात्रा बनाने जा रहे हो तो इतनी श्रेष्ठ कारक मेमोरीज अपने साथ लाओगे जो सदैव आपको याद रहे। पूरे सितंबर के महीने में व्यापारिक यात्रा हो चाहे भौतिक सुखों को प्राप्त करने वाली, आपके लिए बेहद सुंदर होने जा रही है। बात करें यदि दाम्पत्य जीवन की स्थिति का योग क्या संकेत दे रहा है, तो दाम्पत्य भाव के स्वामी बुद्ध महाराज आपके भाग्य भाव में जाकर विराजित हुए हैं। ये क्या संकेत देता है, तो आपके पार्टनर के भाग्य से आपको श्रेष्ठ कारक अवस्था का योग प्राप्त हो। पार्टनर के साथ में जो मन मुटाव चल रहे थे, स्वास्थ्य दृष्टिकोण में परेशानी देखने को मिल रही थी, उन सब गतिविधियों में सबसे श्रेष्ठ कारक स्थिति आपको सितंबर के महीने में दिखाई देगी। प्रेम संबंधों की यदि हम चर्चा करें तो प्रेम भाव के अर्थात पंचम भाव के स्वामी भी मंगल महाराज आपके कर्म भाव में जाकर विराजित हुए हैं।
ये आपके पार्टनर से रिलेशन में जो आप पार्टनर है इसमें किसी भी प्रकार का पिछले समय में जो मनमुटाव चल रहा था, अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू देखने को मिल रहे थे, वो भी होने जा रहे हैं आपके लिए। पूर्ण अर्थात मधुरता का संबंध आपके रिलेशन में देखने को मिलेगा। तो बेहद सुंदर सितंबर का महीना आपके लिए बनने जा रहा है, जहां एक तरफ गुरु महाराज, दूसरी तरफ मंगल महाराज, तीसरी तरफ सूर्य और बुध, ये चार चार ग्रह मिलकर सितंबर के महीने में देने जा रहे हैं आपको आशीर्वाद। शुभ रंग, शुभ अंक और शुभ दिवस आपके कौन से रहेंगे, जिनको सितंबर में कोई भी बड़ा कार्य करने से पहले यदि आप इन अवस्थाओं को चुनाव करते हो, आपको सफलता मिलना तय हो जाता है। शुभ दिवस की यदि हम चर्चा करें तो रविवार, मंगलवार, बुध और गुरुवार का कोई भी बड़ा कार्य करना हो, इन दिवसों पर यदि आप करते हैं, आपको सफलता मिलने की परसेंटेज बहुत अधिक मात्रा में वृद्धि कारक स्वरूप को दर्शा कर देगी। शुभ रंग की यदि हम चर्चा करें तो शुभ रंग रहेगा आपके लिए सफेद, लाल, हरा और पीला। जितना ज्यादा आप इन चारों कलरों को अपने आसपास के एनवायरमेंट में, खाने में, पहनने में, आसपास के वातावरण में बनाकर रखोगे, उतनी ही इन चारों ग्रहों की ऊर्जा आपको प्राप्त होती है। शुभ अंक की यदि हम चर्चा करें तो आपके लिए 5 अंक 3, 6, 8 और 9, ये आपके वो मूलांक रहेंगे सितंबर के महीने में, जिनको चाहे सिंगल डिजिट में, चाहे आप टोटल मिलाकर अगर ये नंबर आते हैं, आप इन दिवसों पर इन मूलांकों का प्रयोजन कर सितंबर के महीने को बना सकते हो यादगार। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।